नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। जनप्रतिनिधियों, प्रशासन की अनदेखी के चलते तपती धूप में नदी के गड्ढे करके पानी लाने मजबूर हैं ग्रामीण। बालाघाट जिले के ग्राम ढंगरिया के ग्रामीण तपती धूप में नदी में गड्ढा करके पानी लाने को मजबूर हैं। क्या छोटे क्या बड़े, सभी जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की अनदेखी के चलते सालों से इस गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं। सिर्फ कागजों में नल जल योजना दिखाई दे रही है। नब्बे मंडरवा चौथी पानी भर नदी का पानी क्यों नहाने के लिए। अच्छा, तो आपके हैंडपंप नहीं है क्या? नहीं। और नल वगैरह? नहीं। तो आप हमेशा ऐसे ही भरते आते हैं पानी? नहीं। अच्छा, आप लोग, मैं देख रहा हूँ अभी आप नदी से पानी निचोड़ते हैं, ये समस्या आप लोगों को कब से है? तो बहुत पहले से है। अच्छा, खासकर गर्मी के दिनों में आती है या फिर हमेशा ये समस्या चलती आ रही है? ये हर समय का चाहिए, हर नल लगे तो नहीं हमारे यहाँ। आपके नल नहीं लगे? मेरा नाम प्रदीप कुमार है, मैं यहाँ पे भी वर्तमान सुपरवाइजर हूँ। जी, हमारी प्रतिक्रिया ये रहती है कि प्लांट में पानी मतलब शुद्ध करके देना, गांव गांव पानी पहुँचाना, तो ये हमारी प्राथमिकता होती है। और हमारी सोच भी है कि मतलब जहाँ तक के लोगों को स्वच्छ पानी मिले, लोग स्वच्छ रहें। हमारे यहाँ लगभग 40 गांव हैं जिसमें 34 समितियाँ हैं। हाँ, 14 कनेक्शन हमारे 3500 के लगे हुए हैं। समस्या सिर्फ ये है कि वोल्टेज कभी कभी हमारे यहाँ पे मतलब नहीं मिल पाता, पावर कट हो जाता है, इस वजह से कभी कभी एक दो गांव में पानी सप्लाई नहीं हो पाती। हाँ, उसके बारे में भी हमने करवाए, उसकी प्रतिलिपि हमारे पास है। हाँ, हम लोग कुछ चेक करते हैं।